कहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए असद कैसर के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, बिल्कुल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। गुज़श्ता रोज़ असद कैसर की जानिब से मुकदमात की तफसीलात जानने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने गिरफ्तार किया असद कैसर साहब को, क्या हुआ जिस पर उनके वकील की जानिब से बताया गया कि पीटीआई लॉन्ग मार्च के बाद उनके खिलाफ बहुत सी एफआईआर दर्ज हुई हैं, मुतलका फोरम पर पेश होकर अपने मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, जिस पर वकील ने यह भी कहा कि हमारे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात जो है वो हासिल करने के लिए हमने गुजर रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर जो है वो अदालत ने अब सेक्रेटरी दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जो है वो असद कैसर के जो मुकदमात हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली हैं और अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 20 जून तक मुलतवी की है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और एफआईए से जो है वो दर्ज मुकदमात की तफसीलात जो है वो 20 जून तक जमा कराने के इकदाम भी किए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि असद कैसर के खिलाफ जितने भी मुकदमा दर्ज हैं उनकी तफसीलात जो है वो 20 जून तक अदालत को जो है वो फराहम की जाए और अदालत ने इस मामले में जो असद कैसर की गिरफ्तारी से भी जो है वो रोक दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद।